नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं जितने भी धनु राशि के जातक और जातिकाएं हैं उनके जीवन से, उनके चरित्र से, उनके व्यवहार से जुड़े हुए बारीक से बारीक, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े 36 गुण और अवगुण बताने वाला हूं, जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो दूसरे व्यक्ति के बारे में यानी 12 राशियों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी रखता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं 36 गुण और गुण बताने से पहले आपको आपके जीवन में आने वाले कुछ थोड़ी सी जानकारियां और दे देना चाहता हूं जो आपके भविष्य में समय समय पर काम आती रहेंगी। दूसरी बात यह है कि यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञान वर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। मेरे प्यारे मित्रों, इस ऑडियो वीडियो को आप हमेशा अपने मोबाइल में लोड रखना, सेव रखना। धनुराशि वालों, जितने भी आप जातक जातिकाएं हैं, ये ऑडियो वीडियो आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ा ही वरदान होगा और बहुत बड़ी इसमें आपको जानकारियां मिलने वाली हैं। इतनी बड़ी जानकारी आपको शायद किसी भी ज्योतिष चैनल पर देखने के लिए नहीं मिली होगी। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आता हूं टॉपिक पर। यदि किसी के नाम का इनमें से पहला अक्षर आता है तो समझो कि उसकी धनुराशि है। ये यो भा भी भू धा फा ढा और भे, ये 9 अक्षर धनुराशि में आते हैं। यदि आपके नाम का इनमें से कोई सा भी पहला अक्षर मिलता है तो समझो कि आपकी धनुराशि है। धनुराशि के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। पैर यानी पाए धनुराशि के चांदी के होते हैं। धनुराशि अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है। 3, 12, 21 और 30 ये अंक सबसे शुभ माने जाते हैं। धनुराशि के लिए जो सबसे शुभ दिन माना जाता है वो गुरुवार का दिन होता है और इनको उपवास भी गुरुवार के दिन ही करना चाहिए। धनुराशि के लिए शुभ रतन पुखराज माना जाता है, इसलिए धनुराशि वालों को पुखराज रतन धारण करना चाहिए। शुभ रंग धनुराशि वालों के लिए बैंगनी, जामनी, गुलाबी और लाल, ये 4 रंग शुभ माने जाते हैं। जीवन के जो साल होते हैं वो कौन कौन से शुभ होते हैं, जैसे 12, 21, 23, 39, 48, 57 और 66, इनको शुभ दान गुरुवार के दिन करना चाहिए। पहली वस्तुओं का जैसे हल्दी, पुस्तक, पीला कपड़ा, घिरत, पीले फूल, पुखरा, चने की दाल, सोना, शक्कर, केसर और पीले फल। अब मैं आता हूं कि धनुराशि की मित्र राशियां कौन कौन सी होती हैं। मिथुन, कन्या और मीन, ये मित्र राशि मानी जाती है। धनुराशि के लिए शत्रु राशि कौन कौन सी होती है, वृषभ, तुला और कुंभ। लेकिन मैं आपको यहीं पर रोककर एक जानकारी और देना चाहता हूं, धनुराशि के जातक और जातिकाओं के परिवार में यदि किसी भी व्यक्ति की वृषभ, तुला या कुंभ राशि है तो उसे शत्रु राशि नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो परिवार में होती है, भाई की, बहन की, बेटी की, माँ की, पिता की, पत्नी की, किसी भी सदस्य की हो, वो शत्रु राशि नहीं मानी जाएगी। शत्रु राशि का दोष सिर्फ बाहर वालों के लिए होता है। जो बाहर के व्यक्ति होते हैं उनसे जरा सावधान रहिए, वही आपके लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, वही आपकी शत्रु राशि मानी जाती है। अब आते हैं सामान्य राशि पर। धनु राशि के लिए सामान्य राशि मेष, करक, सिंह और वृश्चिक होती है, यह सामान्य राशि मानी जाती है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको छोटी और जानकारी देना चाहता हूं, जो सकारात्मक गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे उदारता, परोपकार, प्रकृति प्रेमी, आदर्शवादी और मजाकिया किस्म के देखने को मिलते हैं। नकारात्मक गुण इनके अंदर जैसे अत्यधिक अधीर होते हैं, एकता में कमी होती है, घमंडी भी थोड़े से देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अब मैं आता हूं मेन टॉपिक पर कि धनु राशि के ऐसे कौन से 36 गुण और अवगुण हैं
जिन्हें सुनकर आप चकित रह जाएंगे। सबसे पहला गुण यह है कि धनु राशि का जो रंग है वो सुनहरा माना गया है और इसको पूर्व दिशा की स्वामिनी माना जाता है, यानी कि धनु राशि के जातक और जातिकाएं यदि पूर्व दिशा से कोई भी जीवन में कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई भी धंधा करते हैं तो इनको बहुत जल्दी सफलताएं प्राप्त हो जाती है। अन्य दिशाओं में यदि ये कोई भी रोजगार करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो उनको हानि उठानी पड़ती है। नंबर दो, धनु राशि बृहस्पति की स्वय राशि होने के कारण इनके संतान बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम संतान होती है। नंबर तीन, धनु राशि के जातक और जातिकाओं के अंदर उदारता और परोपकार की भावना बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। नंबर चार, धनु राशि के जातक और जातिका ईमानदार होते हैं, ये बहुत ही विश्वसनीय होते हैं, इसलिए इस राशि को विश्वसनीय राशि भी कह सकते हैं और माना भी जाता है। नंबर पांच, धनु राशि के जातक और जातिकाओं का जीवन सुखद और खुशहाल जीवन में देखने को मिलता है। नंबर छह, धनु राशि के जातक और जातिकाएं वही करते हैं जो इनके मन को अच्छा लगता है, ये दुनिया की परवाह नहीं करते हैं, चाहे दुनिया अच्छा कहे या बुरा कहे कोई प्रभाव इन पे नहीं पड़ता है। नंबर सात, धनु राशि के जातक और जातिकाएं अपने लक्ष्य को खुद ही प्राप्त करते हैं और अपनी मंजिल तक अपनी मेहनत के बल पर ही पहुंच पाते हैं, ये किसी के सहारे के मोहताज नहीं होते हैं, ये किसी का सहारा लेना पसंद नहीं करते हैं। नंबर आठ, धनु राशि धर्म वीरु राशि भी मानी जाती है, इसके अंदर पूजा पाठ, भक्ति भाव, साधना बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ये जीवन में बहुत ज्यादा धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं। नंबर नौ, धनु राशि के जातक और जातिकाएं चरित्र के बहुत ज्यादा साफ सुथरे देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रतिशोध की भावना बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। नंबर दस, धनु राशि के जातक और जातिकाओं की अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से बहुत कम बनती है, इसलिए जीवन में जो भी कार्य करती है स्वयं निर्माण करती है। नंबर ग्यारह, धनु राशि के जातक और जातिकाओं के अंदर बहुत ज्यादा मान सम्मान प्राप्त करने की लालसा रहती है, इसलिए इस राशि को महत्वाकांक्षी राशि भी माना जाता है। नंबर बारह, धनु राशि के जातक और जातिकाएं कभी गुलामी की जिंदगी पसंद नहीं करते हैं, जो भी करते हैं खुलेआम करते हैं और खुले मैदान में शेर की तरह अपने हर कार्य को करना इनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये आजाद जिंदगी जीना पसंद करते हैं। नंबर तेरह, धनु राशि के जातक और जातिकाएं कभी भी गलत बात को पसंद नहीं करते हैं और ये जीवन में बहुत ही सचेत होकर अपने जीवन को गुजारने की कोशिश करते रहते हैं, और जो भी अगला व्यक्ति इनको जीवन में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या इनको नीचा झुकाने की कोशिश करता है तो धनु राशि वाले उल्टा उसका एक्शन ले लेते हैं और उसे बहुत जल्दी सबक सिखा देते हैं, ये गुण इनके अंदर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। नंबर चौदह, धनु राशि के जातक और जातिकाओं को नई नई जगह घूमना फिरना, शॉपिंग करना, सैर सपाटे करना, नई नई वस्तुएं चीजें खरीदना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। नंबर पंद्रह, धनु राशि के जातक और जातिकाओं को यदि ये पता होता है कि हमारे अंदर बहुत अच्छे गुण भी हैं लेकिन कभी कभी उन अच्छे गुणों का ये प्रयोग जीवन में नहीं कर पाते हैं, कभी कभी उसे अनदेखा और अनसुना कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको कभी कभी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है, अपमान का सामना भी करना पड़ जाता है। नंबर 16, धनु राशि के जातक और जातिकाएं नई नई बातें करना पसंद करते हैं, नई नई खोज करना पसंद करते हैं और ये हमेशा सच्चे व्यक्ति का और सच का साथ ही देते हुए पाए जाते हैं। नंबर 17,
धनु राशि के जातक और जातिकाएं किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने दिल में ना छल ना कपट रखते हैं और हमेशा ईमानदारी से उसके साथ पेश आते हैं। इनका आचरण बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा देखने को मिलता है। नंबर 18, धनु राशि के जातक और जातिकाएं ज्यादातर देखने में हेल्थी होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, बलवान होते हैं, सुंदर भी होते हैं और ज्यादातर कद के लंबे पाए जाते हैं। नंबर 19, धनु राशि के जातक और जातिकाएं दिमाग के बहुत ज्यादा तेज होते हैं, इसलिए ये जीवन में कई कई कार्यों को एक साथ करने में सक्षम होते हैं, इसलिए जीवन में बहुत जल्दी सफल होते हैं और ये बहुत ही अच्छा गुण इनके अंदर देखने को मिलता है। नंबर 20, धनु राशि के जातक और जातिकाओं के लिए घुटनों का और जंघाओं का विचार किया जाता है। जीवन में या तो इनको चोट लगती है या दर्द होता है, जो परेशानियां होती है जीवन में घुटनों से और जंघाओं द्वारा जीवन में परेशानियां देखने को मिलती है। नंबर 21, धनु राशि के जातक और जातिकाओं के मुंह पर, बगल में या कमर पर काले तिल का निशान जरूर मिलेगा। यदि आप इस बात को अजमा कर देखना चाहते हैं तो अजमा कर देख सकते हैं। नंबर 22, धनु राशि के जातक और जातिकाएं जो भी कार्य करते हैं जीवन में या जिस कार्य को अंजाम देते हैं उसमें दूसरे व्यक्ति का इंतजार नहीं करते हैं, ये खुद ही अपने काम में अड़ जाते हैं और उसे अपनी मेहनत के बल से और अपने संघर्ष के बलबूते पर उसे प्राप्त कर लेते हैं, उसे सफल कर लेते हैं। ये इनके अंदर बहुत ही अच्छा गुण देखने को मिलता है। नंबर 23, धनु राशि के जातक और जातिकाओं के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है, यह जिस कार्य में हाथ डाल देते हैं उसे संपूर्ण करके ही हटते हैं और बहुत ही आराम से और सरलता से पूरा कर लेते हैं। ये इनके अंदर एक सबसे बड़ा मूल मंत्र और विशेष गुण माना जाता है। नंबर 24, धनु राशि के जातक और जातिकाएं संगीत में, काव्य में, लेखक में, धर्म दर्शन में, योग्यताओं में, गायन वादन में बहुत जल्दी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं, यानी धन और नाम इस लाइन में बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, बहुत ऊंचा अपना नाम कमा लेते हैं। नंबर 25, धनु राशि के जातक और जातिकाएं ज्यादातर देखने में सुंदर होते हैं, इनका चेहरा ज्यादातर गोल होता है और इनका सुनहरा रंग देखने को मिलता है। नंबर 26, धनु राशि के जातक और जातिकाओं के अंदर सबसे बड़ा और विशेष गुण क्या होता है कि ये जीवन में कभी भी संकट काल में, परिस्थितियों में, दुख में, गम में कभी भी मायूस नहीं होते, हमेशा हर संकट का, हर दुख का डटकर मुकाबला करते हैं। नंबर 27, धनु राशि के जातक और जातिकाएं कभी भी अपने मन की बात को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बहुत आसानी से नहीं रखते हैं। नंबर 28, धनु राशि के जातक और जातिका यदि अहंकार और घमंड करना छोड़ दे तो ये बहुत ही जल्दी ऊंची सफलताओं को छू लेते हैं और बहुत जल्दी मन चाही सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। ये ज्यादातर जब कभी कभी मायूस होते हैं या असफल होते हैं तो ये अपने अहंकार के और घमंड के कारण असफल होते हैं। नंबर 29, कभी कभी धनु राशि के जातक और जातिकाएं अपने आप को बहुत विद्वान, बहुत बड़ा धनवान, बहुत बड़ा ज्ञानी अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं सारे काम खुद कर लेता हूं और ये सीधी सी बात है कि किसी की सहायता के मोहताज नहीं होते हैं, इसलिए जीवन में इस कारण से भी असफलता प्राप्त करते हैं। नंबर 30, सबसे अच्छा और विशेष गुण इनके अंदर यह भी देखने को मिलता है कि धनु राशि के जातक और जातिका जिससे एक बार वादा कर देते हैं किसी भी बात को लेकर तो उसे संपूर्ण ही करते हैं, उसे बीच राह में भी ना तो तोड़ते हैं और ना किसी को धोखा देते हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छा गुण इनके अंदर देखने को मिलता है। नंबर 31, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव माने जाते हैं, इसलिए धनु राशि के जातक और जातिकाएं अपनों को छोड़कर जो बाहर के व्यक्ति होते हैं
उनसे बहुत ज्यादा इनका मिलन होता है, बहुत ज्यादा इनके गहरे रिश्ते होते हैं, बहुत ज्यादा उनसे उठ बैठ और लंबी यारी दोस्ती और संबंध चलते हैं, यानी कि उनके लिए ये बहुत ज्यादा मिलनसार माने जाते हैं। नंबर 32, धनु राशि के जातक और जातिकाएं बहुत ज्यादा भोगी सज्जन, व्यवहार एवं कुशल ख्याति प्रशंसा के बहुत ज्यादा इच्छुक देखने को मिलते हैं। नंबर 33, धनु राशि के जातक और जातिकाओं को क्रोध बहुत कम आता है, क्योंकि ये ज्यादातर हसमुख होते हैं, मजाकिया होते हैं, लेकिन जब इनको क्रोध आ जाता है तो बहुत ही भयंकर क्रोध आता है, फिर इनको बहुत जल्दी शांत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत गर्म स्वभाव के भी देखने को मिलते हैं। नंबर 34, धनु राशि के जातक और जातिकाओं को हमेशा पकवान से बचना चाहिए, ज्यादा पकवान वाली खाने की चीजें ना खाएं, वरना इनको जीवन में लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिलती हैं। यदि ये लापरवाही बरतते हैं तो बहुत जल्दी इनका लीवर डैमेज होने का खतरा होता है। नंबर 35, यदि धनु राशि के जातक और जातिकाओं के साथ कोई अगला व्यक्ति गलत कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है, अपमानित कर देता है या इनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है, तो धनु राशि वाले भी उसे सबक सिखाते हैं, उससे बदला लेकर रहते हैं। ये इनके अंदर अवगुण भी कह सकते हैं और गुण भी कह सकते हैं। नंबर 36, धनु राशि के जातक और जातिकाएं व्यवहार के बारे में देखें तो ये 70% के लगभग बहुत ही ज्यादा अच्छे माने जाते हैं और 30% के लगभग इनके अंदर अवगुण देखने को मिलते हैं, यानी 70% अच्छे गुण होते हैं और 30% इनके अंदर अवगुण देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर इसे अच्छी राशि मान सकते हैं और इसे बहुत ही साफ सुथरी राशि चरित्र व्यवहार की मान सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे धनु राशि के जातक और जातिकाओं के जीवन से जुड़े हुए 36 गुण और अवगुण। लेकिन मैं आपको धनु राशि के जातक और जातिकाओं के जीवन से जुड़े हुए और भी गुप्त सैकड़ों गुण और अवगुण बता सकता हूं, लेकिन मैंने आज जो मेन गुण और अवगुण है उन पर प्रकाश डाला है। दोस्तों, यदि आपको मेरे गुण और अवगुण सत्य लगे या आपको गलत या झूठ लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना, मैं आपके मैसेज का जरूर इंतजार करूंगा। और दूसरी बात यह है, यदि मेरे बताए हुए गुण और अवगुण आपको कहीं बुरे लग गए हो या आप मेरे शब्दों से आपके दिल को आघात पहुंचा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा। लेकिन सच्चाई यह भी है कि जो व्यक्ति सच्चाई का सामना करता है वो व्यक्ति जीवन में सफल होता है, सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो इसलिए फैसला आपको करना है कि हमने कहां तक आपके बारे में सच्चाई बताई है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, चाहे विवाह शादी की हो, प्रेम संबंधों की हो, पति पत्नी के संबंधों में खटास हो, पारिवारिक रिश्तों में टेंशन चल रही हो, या विदेश जाने में बार बार दिक्कतें आ रही हो, या फिर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं नौकरी नहीं मिल पा रही है, या आप निसंतान हैं, या फिर आप पे किसी ने कुछ करवा दिया है, या आप अपनी जन्म कुंडली हस्तक रेखा या मस्तक रेखा दिखाना चाहते हैं, या अपनी जन्म कुंडली से जुड़े दोष, मांगलिक दोष, पितृ दोष या सर्प दोष शांत कराना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान कराना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 2100 रुपए हमारी इंडिया में फीस है कुंडली देखने की और कुंडली विश्लेषण करने की, और विदेशों में हमारी फीस 5100 रुपए है, ये आपको मैं पहले बता देता हूं। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आप सभी करता हूं नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप सभी भाई बंधुओं को मेरा जय हिंद, जय भारत।